महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सैदाबाद ब्लॉक की ग्राम बरुआ की रहने वाली रीना कुमारी को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। प्रयागराज लौटी रीना कुमारी ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि सरकार की योजना के अनुसार एक स्वयं सहायता समूह को बनाया, उसके बाद लखपति दीदी का फॉर्म भरा, उसके बाद गांव से ही अपने काम की शुरुआत की, लोगों के बैंक में खाते खुलवाने और बीमा करवाने का काम शुरू किया। आज लगभग 2000 खाते खुलवा चुकी हूं और 500 से ज्यादा बीमा करवा चुकी हूं। रीना कुमारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, इससे आत्मबल और बढ़ा है। हम देखिए घर में रहते थे, घर का काम, आदमी घर में रहेगा तो पूरा दिन वही काम करेगा, अगर वही आदमी कम समय भी में भी काम कर सकता है तो हम अपना कम समय में ही काम करके अपने बच्चों का भी देख रेख कर लेते हैं। जब से हमारा इसमें काम, जब से इस पीसी सखी हम बने हैं, अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिए, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पूरे दिन हम अपना काम देखते हैं, बच्चे हमारे घर पे रहते हैं, फिर शाम को अपना घर जाते हैं, तो घर में परिवार भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। और इससे हमें बहुत, जो सरकार ये योजना चलाई है स्वयं सहायता समूह, ये महिलाओं के लिए समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि आज महिलाएं, मतलब चाहे पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी हैं, वो भी इस काम को कर सकती हैं। जो नहीं पढ़ी लिखी हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रही हैं, जो पढ़ी लिखी हैं तो अपना इस तरह का काम कर रही हैं, लेकिन सब मतलब महिलाएं इसमें, इस समूह में जुड़कर अपना काम कर रही हैं।